नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। उनका अंदाज ही ऐसा रहता है कि वो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छा जाते हैं। शनिवार को भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बकरीद के मौके पर मुसलमानों से प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने के लिए अपील तो की ही, साथ ही इस त्योहार का मतलब भी समझाया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अल्लाहू अकबर भी कहा, जिससे सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाराजगी देखी जा रही, तो वही कुछ लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। वर्दी में किसी खास धर्म का नारा लगा रहे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर ट्विटर यूजर रौनक ने लिखा, अगर किसी राज्य का डीजीपी अपने सरकारी ऑफिस में वर्दी में तमाम श्लोक पढ़कर किसी हिंदू त्योहार की बधाई देता तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता। तमाम पार्टियों के नेता से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज संज्ञान लेते, पर डीजीपी के कलमा पढ़ने से कुछ नहीं हुआ होगा, क्यों? डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बकरीद पर दिए संदेश पर ट्विटर यूजर तारिक अनवर ने लिखा, बिहार के डीजीपी ने ईद उल अधा पर होने वाली कुर्बानी के बारे में हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिस खूबसूरती के साथ रखा है वो काबिले तारीफ है। आप भी सुनिए बकरीद पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ईद उल जोहा का त्योहार है, यह ऐसा त्योहार है जो दुनिया को खुशी का पैगाम देता है। हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस दिन अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा और बेटे की कुर्बानी देनी चाही, अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत से लाकर बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया, छुरी चली। लेकिन हजरत इब्राहिम साहब के बेटे की गर्दन पर नहीं चली, वो दुम्बे की गर्दन पर चली और दुम्बे की गर्दन अलग हो गई। जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपनी आंख की पट्टी खोली तो ये देखा कि दुम्बे की गर्दन कटी हुई है, बेटे की जगह दुम्बा है। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम साहब ने अपना सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहू अकबर, वलीलाहिल हम्द। इस मौके पर मुसलमानों को किसी खास जानवर की कुर्बानी देने को नहीं कहा गया है, खासकर मुल्क में जिन जानवरों की कुर्बानी को कानूनी जुर्म कहा गया है या माना गया है, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी है। हजरत इब्राहिम साहब की ये कुर्बानी कयामत तक के लिए इंसानों को मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देगी। इसी वीडियो में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सावन और रामनवमी का भी जिक्र करते हुए कहा कि आपने देखा ही होगा कि रामनवमी का जुलूस नहीं निकला, अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई, इसीलिए आप भी नमाज घर पर पढ़ें। देखा आपने, सावन के महीने में करोड़ों लोग, हिंदू भाई, मंदिर में, शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकलते, नहीं निकले। रामनवमी का जुलूस नहीं निकला, अरे अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई। हालात ऐसे हैं, सारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने की पाबंदी है, मंदिर हो, मस्जिद हो। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि ईद उल जुहा की नमाज भी अपने घर में मनाएं और दुआ करें अल्लाह से कि ये संकट जल्दी खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी, कोरोना जाए, पूरी दुनिया से जाए, अपने मुल्क से जाए, अपने बिहार से जाए, और फिर वो खुशियों के दिन वापस लौटें कि हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपने मन के हिसाब से इबादत कर सके। बहुत संयम और बहुत धैर्य के साथ काम लेना है,
मैं हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात हर मजहब के तमाम भाइयों की भावनाओं का सेंटिमेंट का ख्याल रखता हूं और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रखता हूं अपने आप को। मेरी बात मानिएगा ना। आप सबों को बहुत बहुत बधाई ईद उल अज़हा। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बकरीद पर दिए संदेश पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।